हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंचल और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी मसालेदार मटर पनीर की रेसिपी। चलिए देखते हैं हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए। मैंने इस रेसिपी के लिए सबसे मेन आधा किलो पनीर लिया है और मैंने एक कटोरी मटर लिया है। इस रेसिपी के लिए मैंने मीडियम साइज के 3 टमाटर लिए हैं, 3 हरी मिर्ची ली है, 5 लहसुन लिए हैं और 1 बड़ी सी प्याज ली है। अब मैं इस रेसिपी के लिए प्याज, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट बना लूंगी ग्राइंडिंग मशीन में। चलो मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, अब मैं उसे कटोरी में ऐड कर देती हूँ। और टमाटर का पेस्ट भी मैंने बना लिया था। टमाटर को मैंने अपने हाथों से ही चॉपर से चॉप कर लिया था। अब मैं मसाले ऐड करूंगी। मैं 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करूंगी, 1/2 टेबल स्पून मैंने लाल कश्मीरी मिर्च ऐड की है, 1/2 टेबल स्पून हल्दी ऐड की है, 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा कम इसमें लाल मिर्ची ऐड करूंगी और थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूंगी और नमक मैं 1/2 टेबल स्पून ऐड करूंगी। आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने कढ़ाई ले ली है और उसमें 2 बड़े स्पून मैंने सरसों का ऑयल ऐड कर लिया है। इसे हम गर्म होने देते हैं। अब तेल हमारा गर्म हो चुका है, चुटकी भर हींग मैं इसमें ऐड कर लूँगी और 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें जीरा ऐड कर लूँगी। देखिए ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, ये भुन चुके हैं। अब इसमें मैं प्याज का जो पेस्ट है वो ऐड कर लूँगी और अच्छे तरीके से हमें इसे चलाकर अब भूनना है। मैंने पेस्ट ऐड कर लिया है और मैं इसे अब चला देती हूँ क्योंकि ऑयल हमारा तेज गर्म है, ज़रा ध्यान रखिए इसका। और अब मैं इसे चला लूँगी। फ्लेम को आप लो टू मीडियम ही रखें, ज़्यादा ना रखें। प्याज के पेस्ट को हमें अच्छे तरीके से चला चला कर ही भूनना है जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। देखिए ऑयल इसमें से सेपरेट होने लगा है, फिर भी हम थोड़ी देर इसको और भून लेंगे। अभी ये देखिए प्याज का पेस्ट हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें टमाटर और मसाला सब ऐड कर लेंगे और थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसका फ्लेम बिल्कुल लो से मीडियम रखेंगे जैसे आपको लगे। तो जैसे ही इसमें बॉयल आना शुरू हो जाएगा हम इसको अच्छे तरीके से पकने देंगे जब तक कि इसमें से सारा ऑयल ना सेपरेट हो जाए, तब तक हम इसे पकने देंगे। देखिए मटर पनीर की सब्जी में, अगर मसालेदार आप जिसे कहते हैं, उसमें इसका मसाला अच्छे तरीके से पकना बहुत ज़रूरी है। हम पका लेते हैं। अब इसके फ्लेवर को और टेस्टी करने के लिए हम इसमें कसूरी मेथी ऐड कर देंगे और चलाकर उसको अच्छे तरीके से ही मसाले के साथ भून लेंगे। देखिए मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन रहा है, पर फिर भी हम इसको थोड़ी देर और भुनने देंगे। थोड़ी देर में इसका पूरा ऑयल सेपरेट हो जाएगा। देखिए आपको मैं दिखाऊंगी, अभी इसे हम और पकने देते हैं। अभी अब देखिए हमारा मसाला अच्छे तरीके से भुन चुका है, इसमें से ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। अब मैं इसमें 1.5 ग्लास पानी ऐड कर दूंगी और फिर मैं उसे थोड़ा पकाऊंगी और फिर मैं इसमें पनीर ऐड कर दूंगी। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। चलिए अब इसमें पनीर ऐड कर देती हूँ। मैंने इसमें पनीर ऐड कर दिया है और इसको मिला लेती हूँ अच्छे तरीके से। और मैंने जो मटर भी धो के रखी थी वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और फिर हमें इसको लो फ्लेम पर पकाना है। चलिए मैं ऐड कर देती हूँ। अब हम इसे ढककर रख देंगे बॉयल आने तक। मैं चेक कर लेती हूँ इसमें बॉयल आया कि नहीं। देखिए बॉयल आ रहा है और इसका फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और लो फ्लेम पर ही हमें इसे पकाना है, तभी इसका फ्लेवर बहुत टेस्टी सी हो जाएगा। चलिए पका लेते हैं इसको। अब बीच बीच में चलाते रहें इसको और चेक करते रहें, पर जो इसका फ्लेम है वो आप लो ही रखेंगे। देखिए इसमें उबाल आ चुका है अच्छे तरीके से, ऑयल भी सेपरेट हो गया है, पर फिर भी मैं इसे थोड़ी देर और पकाऊंगी। अभी मसालेदार मटर पनीर की रेसिपी बन चुकी है। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे ढककर रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। वाओ, देखिए कितनी लाजवाब लग रही है ना ये, इसमें से खुशबू भी बहुत टेस्टी सी आ रही है। मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, मैं ऐसे ही इंस्टेंट रेसिपी आपके लिए लाती रहूँगी। और अपना ध्यान रखिए।